गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो कि हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के ऊपरी ब्लॉक में बड़ी पुली का एक ब्यास छोटी पुली के ब्यास का 8/7 गुना है। यदि एफिशिएंसी 55% है तो 4250 न्यूटन के भार उठाने के लिए एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हम इस प्रॉब्लम को समझने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली होती है, एक ही ब्लॉक पे दो पुली लगी होती हैं जिसका डायमीटर D1 और D2 एक ही फिक्स ब्लॉक पे लगा होता है, और एफर्ट पी लगाया जाता है जिस पे एक एंडलेस एक रस्सी होती है। तो हमें ये निकालना है वेलोसिटी डिफरेंस BR जो होता है, हमें पता होता है इसका। तो हम निकाल सकते हैं इसका, हमारे पास पता है D1 बराबर 8/7 इंटू D2। वेलोसिटी रेशियो जो होता है निकालने के बाद आ जाता है 2 D1 जो बड़ी वाली पुली का डायमीटर और छोटी वाली पुली का डायमीटर D2 है। तो वो डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, और हमारे पास D1 बराबर 8/7 D2 है। तो फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी रेशो 16 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इफिशियंसी दे रखी है 55% और लोड दे रखा है 4250 न्यूटन। तो हमें एफर्ट निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इफिशियंसी का। इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो, सॉल्व करने पर जो आ जाएगा P बराबर W अपॉन ईटा इंटू वेलोसिटी रेशो। तो हम W की वैल्यू रख देंगे और ईटा इफिशियंसी की वैल्यू रख देंगे और वेलोसिटी रेशो रख देंगे। तो अल्टीमेट सॉल्व करने पर आ जाएगा 482.95, मतलब 4082.95 न्यूटन हमारे पास ये आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थी, वेलोसिटी रेशो निकाला था हमने, इसके बाद हमने लोड दे रखा था और इफिशियंसी दे रखी थी, तो उसकी हेल्प से हमने एफर्ट आयास भी निकाल लिया इसके साथ। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में बेसिकली आती हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस तरह की। अब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फोर्सेस एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, धीरे धीरे पढ़ेंगे।